की सफाईदा। हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि आज किस बारे में वीडियो होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि छोटी छोटी जो स्टेप है, जो टिप है, उसकी वजह से आपकी वीडियो में क्लियरिटी आएगा। तो ज्यादातर मैं बता दूं कि मेरे वीडियो ज्यादातर होता है ब्यूटी टिप्स के ऊपर, बट आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आऊँ क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको जो नए नए अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में बताना मुझे चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगा, इसलिए मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। तो वीडियो जरूर देखिएगा, और जो भी अभी इंस्टाग्राम में वायरल चल रहा है ये वाला वीडियो, इसके ऊपर इसकी एडिटिंग के बारे में फुल प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको इंस्टाग्राम से अपना रील्स बना के सेव करके रख लेना है गैलरी में। इसके बाद मैं जाऊंगी वीडियो में और जो मैंने बना के रखा है उसको, जब मैं पोज दे रही होंगी तब मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी एक। देखिए अब जाएंगे सिंपली पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब क्लिक करना है प्लस के आइकन में, उसके बाद फ़ोटो एडिट अ फोटो में, उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और जो स्क्रीनशॉट करते टाइम पे ब्लैक पार्ट जो आ गया उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ठीक है, अब जाएंगे स्टिकर्स में। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, सिंपली सर्च कर देना है गन लेके। यहाँ पे मैं गन वाला लगा रही हूँ। मेरा कपड़ा पूरा ब्लैक है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा कलरफुल वाला। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे गन को, हाथ में सेट हो जाना चाहिए। हाँ ये अब सही लग रहा है, इसको कर देंगे सेव। ये हो गया, उसके बाद फिर स्टिकर में जाके आपको सर्च करना है फेस मास्क। उसके बाद मैं ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, और मैं थोड़ा सा इसको सेट करके थोड़ा सही लग रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये वाला हटाऊँगी। बस वाइप कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे ये सीजर वाले आइकन में, इसमें क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके ये अपने आप ही कट के रेडी हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ इसमें वो करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना फिंगर वगैरह हटा रही हूँ कि थोड़ा सा नेचुरल लगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर दूँगी ताकि मुझे एडिट करने में आसानी हो। अच्छे से करना ये वाला पार्ट, जितने अच्छे से आप कर पाओगे उतना नेचुरल अच्छा लगेगा। तो बस हो गया, इसको सेव कर लेंगे। तो सिंपली इस फोटो को सेव कर लेंगे, सेव हो गया। अब जाएंगे बैक, फिर जाएंगे एडिट अ फोटो में, उसके बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये और यहाँ पे और ये वाला सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा मेरे को ये वाला चाहिए, सही। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ऐड फोटो, उसके बाद जो मैंने बना के रखा है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ पे। उसके बाद इसको करके, उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट पर और यहाँ पे स्केच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाला ऑप्शन को कर लेना है। और जो इसका वो आ गया है, इसमें फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला जो है उसको 0 में कर लेना है,
जब आप जीरो में करोगे तो ये पूरा लाइन आपके फेस के उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है ब्लैक कलर, उसके बाद इलेज़र में क्लिक करेंगे और जो भी फेस में आया हुआ है उसको हम इलेज कर लेंगे। फेस में हमें नहीं चाहिए ये, बस ये भी कुछ लग रहा है। उसके बाद इसको फिर से एक बार राइट करके उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ड्रॉ में जाना है और ये वाला आइकन करके कलर आपको कर लेना है ब्लैक। उसके बाद जहाँ पे भी आपको मिसिंग लग रहा है आपका लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है, ये सही लग रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं 3 पे करके उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ बस। के बाद और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में भी मिसिंग है, अगर गलत हो जाता है तो इलेजर में क्लिक करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग है। इसके बाद यहाँ पे मिट किया है थोड़ा, ठीक है, नीचे के साइड में। और यहाँ पे हाथों में से कुछ मिसिंग है तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, बस इसको सेव कर लेना है। जाएंगे इफेक्ट पर और जाएंगे मैजिक पर, आपका नेट ऑन होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कलर जो आपको अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बहुत सारा है। मेरे को भी ये अच्छा लग रहा है और यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बस इसको सिंपली राइट GTA स्टिकर के लिए सिंपली स्टिकर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GTA और सारे स्टिकर्स आ जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और बस इसको सेव कर लेंगे। वीडियो एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ InShot, यहाँ पे जाना है और वीडियो पे जाना है और वीडियो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ये है जो हमने फ़ोटो एडिट किया था, फ़ोटो पे जाके ये लेना है और बस। और एक और वीडियो लेना होगा आपको यहाँ प्लस के आइकन में क्लिक करके, म्यूज़िक के लिए होगा क्योंकि जो भी इंस्टाग्राम से वीडियो सेव कर लेते हैं वो अलग, उस वीडियो का ऑडियो सेव नहीं होता है, सिर्फ वीडियो ही सेव होता है। उसके लिए मैंने ऑडियो के लिए यहाँ पे ये वाला वीडियो ले लिया है, तो ये वीडियो डाउनलोड करके रख लिया था तो इसका म्यूज़िक में यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगी यहाँ पे करना है और इसका ऑडियो आप देख रहे हो, इधर इसको इधर ले जाएंगे और बस ऐसे करके इस वीडियो को डिलीट कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे ऑडियो इसका मिल गया है हमें, पहले ऑडियो सही से लगाएंगे इसका, यहाँ से म्यूज़िक में से जाके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस म्यूज़िक के हिसाब से चाहिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कट कर लेना है मुझे, यहाँ से मुझे स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद ये वाला पार्ट में कर दूँगी डिलीट, ठीक है, थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना तक म्यूजिक है उतना तक रखेंगे तो बस यहाँ पे जाके अपना
साइज में, और यहाँ पे आपका वीडियो साइज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, फ़ोटो आया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल लेंगे, ये वाला ऐसा वाला लगा सकते हैं। अभी मेरे को ये नहीं लगाना है, मैं यहाँ पे ओके, इसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ये वाला इफेक्ट। यहाँ से बहुत सारा है, जूम वाला भी है, ठीक है, जो आपको फ्री में मिलता है। अभी मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपल इसको, जब ये वीडियो से फ़ोटो में आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसको यहाँ से सिंपली सेव कर लेना है। ये देख सकते हो वीडियो गैलरी में सेव हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।